या हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं एयरटेल कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ सर। 9867350640 आप ही का नंबर है ना सर ये? जी जी, इस नंबर को बंद कराने की रिक्वेस्ट आई है सर, इसी कंफर्मेशन के लिए कॉल किया गया है सर। नहीं, ये नंबर बंद नहीं होने वाला है। इसी कंफर्मेशन के लिए कॉल किया गया सर कि आपने आधे घंटे पहले कस्टमर केयर में कॉल करके ऐसी रिक्वेस्ट की है सर। नहीं सर, ऐसा कोई भी कंप्लेन मैंने नहीं की है, और मैं क्यों करूंगा सर अपना चालू नंबर बंद करने के लिए। इसी कंफर्मेशन के लिए कॉल आया था सर, क्योंकि नहीं हाफ एन नहीं आवर बिफोर ये कॉल आया था कस्टमर केयर में, तो नाइन नहीं एट सिक्स सेवन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर जीरो इस नंबर को बंद करवाने के लिए बोला गया कि ये नंबर मेरा खो गया है, इसको इमिडिएटली बंद कीजिए। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी कंफर्मेशन के लिए कॉल किया सर कि रिक्वेस्ट आप ही की तरफ से आई है, आपके नंबर के साथ किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की है सर। माइट भी फ्रॉड करने की कोशिश की होगी सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया। यस, आपकी तरफ से कोई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं की गई ना सर कि नहीं नंबर नहीं क्लोज कराने की? नहीं जी सर, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट यहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। ओके ओके। आपका नाम सर? जी, माय गुड नेम राजेंद्र शर्मा सर। राजेंद्र शर्मा फ्रॉम ब्रांच? या फ्रॉम बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है। या नाउ आई हैव सेंड वन एसएमएस सर, यू हैव टू फॉरवर्ड दिस मैसेज टू 121 एयरटेल कस्टमर केयर नंबर। या यू हैव टू ये सेंड दिस वही वाला मैसेज। है क्या सर? इससे पहले भी ये फोन आ चुका है? कब आई थी फोन आपके? हाँ सर, बहुत अच्छे लोग रहते हैं ये सब नंबर में। क्या क्या एक मिनट अच्छे खाली, नंबर? एक मिनट खाली होल्ड करिए। हाँ सर, ये मतलब आप लोग करते क्यों है, मेरे को ये नहीं समझता है। इस मैसेज को 121 पे फॉरवर्ड कीजिए सर। हाँ सर, मेरे को जवाब दीजिए ना सर, यस टेल मी, आप लोग ऐसा फ्रॉड करते क्यों है, इंसान को परेशान क्यों करते हैं? ना आप फ्रॉड मतलब एयरटेल इसमें से क्या बात फ्रॉड? कर रहे हैं, हाँ ना आप एयरटेल से बात कर रहे हैं, हाँ बराबर? आप एयरटेल से तो यस, बात नहीं कर रहे हो, है ना? सच्ची कहाँ से बात की? बोलिए। अरे आपको आपको कितना दिन पहले कॉल आया था? सर, वो छोड़ दीजिए, कितने दिन पहले कॉल आया था, आप मेरे को सच्ची बताइए, आप एयरटेल से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बोलिए। नहीं कर रहे ना? क्यों करते हैं सर ऐसा, मेरे को बताएंगे आप? क्यों परेशान करते हैं इंसान को, कुछ फायदा किसको होता है इससे? परेशान? हम्म, कुछ फायदा फायदा होता है तो होता है। इससे? क्या फायदा होता है सर? मैं एक जेन्युइनली खाली एक आंसर जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आपका नंबर दूंगा या कंप्लेन करूंगा। हम लोग भी रोजा रमजान में रहते सर, परेशान होते हैं, आप लोग भी परेशान होते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते हैं सर, सर? बहुत फायदा है, फायदा है, फायदा है, इसीलिए तो बोले ना। क्या फायदा है सर? चलिए ठीक है, वो तो आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या फायदा है, वो आपको आप ही इससे पहले बेहतर कितना दिन जानते हैं पहले सर। कॉल आया था? ये तो हम परेशान हो गए सर, ऐसे नंबर से कॉल आ रहे हैं हमें, प्लस उसके बाद मैसेज आता है, मतलब इसी एसएमएस आया था आपको 121 फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा था ना। बराबर सर, बराबर। अरे इसमें क्या होता है कि अभी जैसे तुम मैसेज को फॉरवर्ड करता ना, जी उस बार फॉरवर्ड किया था क्या? नहीं ना सर, इसके लिए तो हमने आपसे पूछे। ये बोला यार मैसेज को ये, तुम फॉरवर्ड करता, मेरा बात सुनो, इस मैसेज को तुम फॉरवर्ड करता ना जी 121 पे, जी उधर से एक रिप्लाई वन का एसएमएस आता कस्टमर, जी जी वो रिप्लाई वन करते तो आपका नंबर बंद हो जाता, अरे इसकी तो फिर आदमी और वो नंबर आई परेशान, की नंबर चालू ही नहीं होएगा, ऐसा हो जाता है, हाँ? नंबर चालू ही नहीं होगा फिर। नहीं, नंबर चालू होगा, वो नंबर आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, 3 घंटा अच्छा के बाद मैं आपका समझ नंबर गया। मेरे हाँ पास, हाँ 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 फिर मेरे आपका नंबर, वो नंबर आप हाँ यूज कर नंबर लेंगे ऐसे। मैं यूज करेंगे। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है या फिर किसी बैंक में अकाउंट है तो आपका पैसा गया। अरे बाप रे, चलो ठीक है सर, क्या करें, लेकिन मैं सही पकड़ा बराबर। चलो हाँ ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, अगर आपको इससे पहले अगर कॉल नहीं आता ना तो आपको नहीं गारंटी, आप यार, तो मैसेज मैं फॉरवर्ड नहीं कर पकड़ देते पाता था बराबर, आप सही बोले सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा आवाज उसका आवाज में बहुत अंतर होगा। हाँ अंतर तो है उसमें, बराबर बोले आपने, धन्यवाद सर। नहीं मैं बोल दिया एग्जैक्टली, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे जाने लिए नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम में समझ कोई, में तो आ ही गया वो, इसके लिए हमने आपसे सामने से ही पूछ लिया ये चीज। नहीं मैं बोल दिया कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है चलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि ऐसा ऐसा होता धन्यवाद है। अगर मान धन्यवाद लीजिए सर। अभी तो आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, यहाँ से मैं पता किया हूँ आपका तो अकाउंट है ही है, तो वहां से आप भी सच अपने को, आप बोलिएगा लोग को ट्रैक हो जाता है वो चीज है ना। बराबर।
यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं कि आईसीआईसी बैंक में जिसका अकाउंट है उसका नंबर चेक करते हैं, एयरटेल का नंबर हुआ तो रिप्लेस करते हैं डायरेक्टली, यूजर आईडी जो होता है आईसीआईसी बैंक का वो पासवर्ड डायरेक्टली अपना मोबाइल पे लॉगिन करते हैं और अमाउंट जितना रहता है ट्रांसफर हो जाता है। बराबर बराबर सही है सर, सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कभी कॉल आएगा, अपना कार्ड वार्ड नंबर कभी शेयर नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे को अच्छा लगा सर सामने से आप बता दिए, तो बहुत से लोग कहते हैं गलती हो जाती है उनसे। नहीं कभी कभी कॉल आया था कि एटीएम के लिए, एटीएम का नंबर आया था इससे पहले भी बहुत से फोन आए, मतलब वही लिंक अप रहता है ना सबका फोन नंबर, वही हिसाब से फिर मिल जाता आप लोग को डिटेल उसमें से। नहीं एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर में नंबर हो जाता है, बता दे कि कौन कौन सा बैंक में लिंक है। जी जी जी, ये तो सिस्टम का ही प्रॉब्लम है ना, हम लोग का इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं वो बात भी सही है, अपना इंडिया ही अब ऐसा हो गया, क्या करे यार। अगर सिस्टम में अगर तुम पूरा ओपन दे दोगे तो आदमी फ्रॉड तो करना चाहिए ही जाएगा, और सबसे आसान हो गया ना भाई ये आज के तारीख में, बहुत इजी हो गया। हाँ सर, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट पूरा। अगर हम उसका मोबाइल नंबर से उसका पूरा पैसा भी अपने अकाउंट में ले लेते हैं तो कितना इजी है, सोचिए कितना इजी है। पंचर हो जाएगा यार, ऐसा मत करो यार। अगर आप किसी का पैसा है यार, किसी के घर में मम्मी डैडी बीमार है, उसका पैसा आदमी संभाल के रखा है, फिर ऐसा चले तो है, वो आदमी की तो जमीन के नीचे से दुनिया ही हट जाएगी यार। नहीं अभी जैसे आपका हम नंबर रिप्लेस कर लेते हैं जी, अगर आपका पैसा हम निकाल लेते हैं जी, तो आपका जरा सा भी डाउट नहीं होता कि पैसा निकल, जब आप बैंक जाते हैं फिर एटीएम मशीन जाते हैं पैसे निकालने के लिए, उसमें आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा निकला है। जी बराबर बराबर, क्योंकि अभी तो अगर अभी आपका नंबर बंद था आपको तो ध्यान सिर्फ रहता कि मेरा सिम कैसे बंद हो गया, क्या कर दिया, आपका ध्यान टोटली आपका जो माइंड ऑफ है वो आपको स्ट्राइटली आपको सिम पे ध्यान देगा, एयरटेल पे नंबर पे, आपको फिर बैंक अकाउंट से कोई आपको डिटेल्स तो उस माइंड ऑफ उसमें आपका जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बोले आपने भाई, इसलिए टोटली आपको जो माइंड ऑफ है उसमें आपको वो नंबर पे ही जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई, ठीक है सर। अभी आपका रमजान चल रहा है क्या? हाँ सर रमजान चल रहा है यार। ठीक है, धन्यवाद सर जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच सर। सर हमको मत बोलिए कि हमको बैंक मैनेजर नहीं रहे लेकिन आपने मेरे को जानकारी दी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना दोस्त, दोस्त ही बोल सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग तो बताते भी नहीं है आप समझे। कितना एज हुआ आपका? अपनी एज तो सर 35 हो ही गई है घसीट के। आपकी एज कितनी है सर? 18 मेरा 19 है। आई शाबाश, सही है। अपना ये ज्यादातर कॉल्स लेकिन बिहार साइड से ही होता है। बिहार नहीं होता, झारखंड से होता है। हाँ झारखंड से, क्योंकि अपने भी दोस्त अहबाब है जो झारखंड के हैं। वही कहाँ के हैं? झारखंड, झारखंड में शायद ये टाटा नगर के करीब कौन सा पड़ जाता है यार, जमशेदपुर। हाँ जमशेदपुर, बराबर बोले आपने। क्या करते हो? क्या करते क्या? अपना छोटा मोटा सा कारोबार है सर, साइकिल की दुकान है अपनी। ठीक, धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। ठीक है, नंबर सेव कर ले, कोई भी कोई काम होगा तो फोन करेंगे। श्योरली श्योरली सर, श्योरली। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।